नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अब जिम्बाब्वे दौरा शुरू होने वाला है। 18, 20 और 22 तीन मुकाबले जिम्बाब्वे दौरे पर होंगे। उसके बाद में टीम इंडिया एशिया कप खेलेगी। एशिया कप के बाद में बाकी दौरे होने होंगे और उसके बाद में टीम इंडिया T20 विश्व कप के लिए तैयार होगी। लेकिन जिम्बाब्वे दौरे से टीम इंडिया को क्या मिलेगा? जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया किन खिलाड़ियों पर नज़र रखेगी, किन पांच बातों पर नज़र रखेगी, BCCI की कहां नज़र रहेगी, सेलेक्टर्स किन पांच खिलाड़ियों पर नज़र रखेंगे, किन पांच खिलाड़ियों पर कोच और कप्तान की नज़र रहेगी और किन पांच खिलाड़ियों का भविष्य आने वाले समय में बेहतर हो सकता है जिम्बाब्वे दौरे पर। तो जिम्बाब्वे दौरे पर पांच खिलाड़ियों पर नज़र रहने वाली है सेलेक्टर्स की, क्योंकि आने वाले टाइम में टीम इंडिया को बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया किन खिलाड़ियों को चुनेगी, वो जिम्बाब्वे दौरे से पांच खिलाड़ियों का भविष्य तय होगा। सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे शिखर धवन, क्योंकि शिखर धवन को टीम इंडिया लगातार खिलाड़ी एक वक्त ऐसा बोला जा रहा था कि शिखर धवन का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन अब शिखर धवन लगातार टीम इंडिया के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर ओपनिंग करते हुए KL राहुल के साथ नजर आएंगे। लेकिन T20 विश्व कप और वनडे विश्व कप, इन दोनों के लिहाज से शिखर धवन का बल्ला चलना जरूरी है। अगर शिखर धवन को अपने आप को प्रमोट करना है, भविष्य में कुछ साल और खेलना है और खासतौर पर T20 विश्व कप और वनडे विश्व कप खेलना है, तो शिखर धवन पर टीम इंडिया की नजर रहेगी। शिखर धवन ओपनर के तौर पर अगर टीम इंडिया के साथ जाएंगे तो इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तो सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर शिखर धवन रहने वाले हैं। उसके बाद में दूसरे खिलाड़ी रहेंगे दीपक हुड्डा। जी हाँ, दीपक हुड्डा पर भी टीम इंडिया की नजर रहेगी, क्योंकि दीपक हुड्डा एशिया कप में टीम इंडिया की स्क्वाड में है। लेकिन दीपक हुड्डा प्लेइंग 11 में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए टीम इंडिया की नज़र दीपक हुड्डा पर भी रहने वाली है, क्योंकि दीपक हुड्डा अगर जिम्बाब्वे दौरे पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो एशिया कप में प्लेइंग 11 में वो प्रमुख दावेदारों में से एक होंगे। क्योंकि दीपक हुड्डा ने बल्लेबाजी के तौर पर साबित किया है, गेंदबाज के तौर पर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन क्या लगातार कंसिस्टेंसी प्रदर्शन करके दिखा पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और सेलेक्टर्स की BCCI की कप्तान कोच की नज़र दीपक हुड्डा पर जरूर होगी। अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो एशिया कप की प्लेइंग 11 में जरूर आएंगे। तीसरे खिलाड़ी के तौर पर हैं संजू सैमसन। जी हाँ, संजू सैमसन को पिछले कुछ सालों में लगातार मौके नहीं मिले हैं, लेकिन संजू सैमसन को अब लगातार मौके दिए जा रहे हैं। लगातार मैनेजमेंट उन पर भरोसा जताती जा रही है, लगातार उनको खिलाया जा रहा है और जिम्बाब्वे दौरे पर भी संजू सैमसन प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन संजू सैमसन को T20 विश्व कप में ले जाया जाएगा नहीं, ये जिम्बाब्वे दौरा तय करेगा। मैनेजमेंट की नजर होगी, सेलेक्टर्स कप्तान कोच की नजर संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर जरूर होगी कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाली फ्लाइट में जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। संजू सैमसन लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऊपरी क्रम पर लगातार टीम इंडिया को बेहतर रन बनाकर दे रहे हैं, तो जिम्बाब्वे दौरे पर संजू सैमसन के ऊपर भी नजर होने वाली है। चौथे खिलाड़ी पर होंगे दीपक चहर। जी हाँ, दीपक चहर IPL भी नहीं खेले थे, आपको पता है चोट के वजह से बाहर थे, और अब इतने दिन बाद दीपक चहर की मैदान पर वापसी हुई है जिम्बाब्वे दौरे में। जिम्बाब्वे दौरे में दीपक चहर खेलते हुए नजर आएंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। एशिया कप में भी स्टैंड बाई के तौर पर दीपक चहर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दीपक चहर की जरूरत टीम इंडिया को है। दीपक चहर जिस तरीके के गेंदबाज हैं, विकेट टेकर गेंदबाज हैं, दीपक चहर का रहना टीम इंडिया में बहुत जरूरी है। तो इस लिहाज से भी सेलेक्टर्स की नजर, कप्तान और कोच की नजर दीपक चहर के प्रदर्शन पर होगी कि दीपक चहर जिम्बाब्वे दौरे में किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। अगर दीपक चहर ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया तो यकीन मानिएगा दीपक चहर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एशिया कप में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं और आने वाले T20 विश्व कप में दीपक चहर टीम इंडिया का अहम हिस्सा होंगे। उसके बाद में पांचवें खिलाड़ी के तौर पर अगर नजर होने वाली है तो वो है अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल ने भी पिछले कुछ मैचेस में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है, बल्ले से और गेंद से दोनों से कमाल करके दिखाया है। लेकिन अक्षर पटेल को एशिया कप में स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया है, अक्षर पटेल को मैन स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। तो यहां पर अब सबसे बड़ी नजर अक्षर पटेल पर भी होने वाली है, क्योंकि अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा के सीधे सीधे रिप्लेसमेंट है। अगर रविंद्र जडेजा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो अक्षर पटेल उनको रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट की, सेलेक्टर्स की और कोच कप्तान की नज़र अक्षर पटेल पर भी होगी कि अक्षर पटेल किस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। अगर अक्षर पटेल का जिम्बाब्वे दौरा बेहतर गया तो यकीन मानिएगा अक्षर पटेल भी आपको एशिया कप की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
तो ये वो पांच खिलाड़ी थे जिनके ऊपर सेलेक्टर्स की नजर होगी, कोच कप्तान की नजर जरूर होगी और इन पांच खिलाड़ियों का भविष्य तय करेगा जिम्बाब्वे दौरा कि ये जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे उतना ही बेहतर इनको आगे आने वाले मैचेस में मौका दिया जाएगा। तो आपका इन पांच खिलाड़ियों पर क्या कहना है और किस खिलाड़ी को आपको लगता है कि बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएगा, किस खिलाड़ी को आपको लगता है कि भविष्य में ज्यादा मौके देने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। We'll be right back.